करणवीर शर्मा जिन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से लाखों लोगों के दिलों को जीता है, वो एक बहुत ही फेमस इंडियन हिंदी फिल्म और टेलीविजन एक्टर हैं, जो कि हिंदी फिल्म्स के साथ साथ टीवी शो से भी सबके दिलों पर छा रहे हैं। जी हां गाइस, वो स्टार प्लस के टेलीविजन शो शौर्या और अनोखी की कहानी में शौर्या के लीड रोल से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, जबकि करंटली आप उन्हें जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ में हैदर का रोल प्ले करते हुए देख रहे हैं, जहां हैदर और दुआ की ये जोड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद की जा रही है। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये खूबसूरत कपल कैसा लग रहा है। यस गाइस, आज की ये लाइफस्टाइल वीडियो करणवीर शर्मा के बारे में होने वाली है। अगर आप करणवीर शर्मा के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मजीद लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडियन एक्टर और मॉडल करणवीर शर्मा, जो कि अपने निकनेम करण और केवी के नेम से जाने जाते हैं, वो 18 सितंबर 1984 को पाकिस्तान में पैदा हुए, जहां उन्होंने कुछ साल अपना बचपन गुजारा, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र शिफ्ट हो गए। वेल गाइस, साल 2023 में अगर उनकी करंट एज की बात की जाए तो उनकी करंट एज 38 ईयर्स ओल्ड है। करणवीर शर्मा जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनकी हाइट 5 फीट 11 इंच है, जबकि उनकी आईज और हेयर्स का कलर ब्लैक है। करणवीर शर्मा जिनकी हॉबीज में ड्राइविंग, बाइक राइडिंग और ट्रैवलिंग करना शामिल है। वेल गाइस, अगर उनकी एजुकेशन की बात करते चलें तो उन्होंने अपने स्कूल की एजुकेशन मेनकजी कूपर एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल मुंबई से हासिल की है, जबकि उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई MMK कॉलेज मुंबई से हासिल की है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उन्होंने MBA यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है। करणवीर शर्मा जो कि बचपन से ही एक्टिंग का बहुत ही ज्यादा शौक रखते थे, और दैट्स व्हाई उन्होंने अनुपम खेर एकेडमी से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की है। करणवीर शर्मा ने अपनी एक्टिंग कैरियर का स्टार्ट मुअज्जम बे की डायरेक्टेड कॉमेडी फिल्म साडा अड्डा से किया, जिसमें उन्होंने समीर खन्ना का रोल प्ले किया था, और इस मूवी के बाद वो लेटर ऑन कई मूवीज में दिखाई दिए गए, जिसमें जिद 2014, अजर 2016 और शादी में जरूर आना 2017 शामिल हैं। करणवीर शर्मा ने अपना टीवी डेब्यू 2016 में अनिल कपूर की स्टारिंग 24 सीरीज से किया, जिसे कलर टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, और 2018 में उन्होंने सब टीवी के एक और सीरीज मंगलम डंगलम में नागार्जुना कुट्टे का रोल भी प्ले किया, जबकि उन्हें पॉपुलैरिटी स्टार प्लस के शो शौर्या और अनोखी की कहानी से मिला, जिसमें वो देवेत्मा समा के अपोजिट दिखाई दिए गए, और करंटली आप उन्हें पॉपुलर टीवी सीरियल रब से है दुआ में एक्टिंग करते हुए देख रहे हैं। वेल गाइस, अगर कुछ बात करणवीर शर्मा की फैमिली की करते चलें तो आप स्क्रीन पर उनके पेरेंट्स की फोटोज को देख सकते हैं। करणवीर शर्मा जो कि मैरिटल स्टेटस से अभी तक अनमैरिड हैं, वेल गाइस सोशल मीडिया पर देवेत्मा समा के साथ उनकी डेटिंग के रूमर्स काफी ज्यादा गर्दिश करते रहे थे, जबकि करंटली वो किसी को भी डेट नहीं कर रहे हैं। करणवीर शर्मा जिनके फेवरेटीज की बात की जाए तो बॉलीवुड में उनके फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार हैं, जबकि उनकी फेवरेट एक्ट्रेसेस टिजेंटा और क्रिटी सैनन शामिल हैं। यस गाइस, अब कुछ बात कर लेते हैं करणवीर शर्मा की नेटवर्थ और कास्ट कलेक्शन के बारे में। तो करणवीर शर्मा पर एपिसोड में काम करने की एक हेल्दी अमाउंट चार्ज करते हैं, और साल 2023 में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ $5 मिलियन है, और कास्ट कलेक्शन में वो एक BMW ऑन करते हैं, और उनकी इस इनकम का सोर्स टेलीविजन शोज में उनकी एक्टिंग और फिल्मों के साथ साथ वो काफी ज्यादा ब्रांड्स की इंडोर्समेंट करते हुए भी दिखाई देते हैं। सो गाइस, ये थी करणवीर शर्मा की लाइफस्टाइल और उनकी बायोग्राफी। आपको करणवीर शर्मा कैसे लगते हैं और उनके करंट सीरियल रब से है दुआ में हैदर का रोल आपको कैसा लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।